प्रभु का धन्यवाद हो फिर से एक बार प्रभु ने हमें एक और मौका दिया कि हम प्रभु के चरणों में जाकर प्रभु का वचन को पढ़ें और उसके ऊपर हम मनन करें आज हम बाइबल अध्ययन के लिए पढ़ेंगे यौान्ना की पहली पत्री उसका दूसरा अध्याय और उसकी 28 से 29 आयत तक हम पढ़ेंगे और उसके बाद उसके ऊपर हम मनन करेंगे तो हम पढ़ते हैं अट्ठाईसवीं आयत हे अतः हे बालकों उसमें बने रहो कि जब वह प्रगट हो तो हमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित न हो यदि तुम जानते हैं कि वह धर्मी है तो यह भी जानते हैं कि जो के धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है प्रभु इस वचन को आशीषित करें देखिए यह हरने की पहली पत्री जो है उसमें ये आ, उसका मुख्य उद्देश्य जो है कलिशिया के लोगों को ये बताना था कि हमारे पुत्र आ, हमारे परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हम उसके साथ हम सहभागि का सहभागिता में जीवन व्यतीत करें और दूसरा ये है कि झूठी शिक्षा जो है कलिशिया में आजकल हम देखते हैं बहुत सारे झूठे प्रबोधक हैं जो बाइबल के वचन के अनुसार संदेश नहीं देते हैं लेकिन अपना ही कल्पनित बातों के ऊपर या संसार की बातों के ऊपर जो बाइबल में जिसका जिगर नहीं ऐसी बातों को वो जुठा प्रचार करके लोगों को भरमाते थे तो यहाँ पे योहन्ना की ये पहली पत्री में हमने जो वचन पढ़ा उसमें से हम इस वचन के ऊपर मनन करते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अट्ठाईस आयत में हे बालों को उसमें बने रहो देखिए आज का वचन जो हमें उसके ऊपर हम मनन करने के लिए जा रहे हैं उसमें मेन उद्देश्य यह है हम परमेश्वर के वचन में उसके उसमें बने रहने का है जिसके देखिए प्रभु के प्रभु में बने रहना उसमें बने रहना मतलब प्रभु में बने रहना उसका मतलब ये होता है कि हम उसके वचनों पर चले उसकी शिक्षा पर चलें और हम इस जगत से अपने आप को दूर रखें और जीठी शिक्षाओं से हम अपने आप को बचाए रखें देखिए हम जब जिसके साथ हमारी सहभागिता सहभागिता बन जाती है हम जिसके साथ जुड़ जाते हैं तो उसका प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है देखिए अग, अगर हम कोई अच्छे आदमी के साथ संगति करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे जीवन में रहता है मतलब उसका प्रभाव हमारे जीवन में आता है उसके जीवन में जो अच्छायाँ है उसके जीवन उसके जीवन में जो अच्छी बातें हैं ये हमारे जीवन में भी हम आ, आ, आते हुए देखते हैं अगर उसके विपरीत अगर हम देखें कोई ऐसे लोगों के साथ अगर हमारी संगति हो जो बुरे लोग हैं जो गंदे लोग हैं या दुष्ट लोग हैं अगर हमारी सहभागिता उसके साथ बने रहती है तो हम भी उसके समान बन जाते हैं तो जब हम जिसके साथ जुड़ जाते हैं उसका प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें कि एक ट्रेन का हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं पटरी पर ट्रेन चलती है और उसका इंजन जो है इंजन चलता है और उसके पीछे जो उसके आ, बहुत सारे डिब्बे आ, लगे रहते हैं देखिए इंजन के साथ जब जो डिब्बे उसके साथ जुड़े हुए हैं कनेक्शन वहाँ पे दिया गया है तो क्या होता है जैसे जहाँ पे इंजन जाता है इंजन चलता है उसके साथ उसके डिब्बे भी है उसके साथ चलते रहते हैं वो इधर उधर कहीं नहीं रहता क्योंकि उसके साथ जुड़े है उसका कनेक्शन जो है डिब्बे का जो कनेक्शन जो है वो इंजिन के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए क्या है एक दिशा में जो जहाँ इंजिन लेके जाता है वहाँ उसके पास वो चलते हैं वैसे ही देखिए हमारे जीवन में जब हम प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं उसके वचनों के ऊपर हमारे जीवन को हम बना लेते हैं तो हम उसके सहभागिता में रहते हैं तो उसका प्रभाव हमारे जीवन में रहता है देखिए प्रभु का वचन हमें कहता है हनोक आ, प्रभु के साथ चलता चलता रहा और उसको उठा लिया गया अब्राहम प्रमेश के साथ चलता रहा उसने उसके ऊपर विश्वास किया और उस आ, उसके लिए उसके ऊपर धार्मिकता उसके ऊपर आ जाती है और उसको धार्मिकता का पिता भी कहते हैं हमारे जीवन में भी जब हम आ, प्रभु के साथ सहभागिता में रहते हैं प्रभु का वचन हमारे जीवन में काम करता है हम उसको आदर करते हैं तो हम हमारे जीवन में उसकी सहभागिता बनती है हम उसके साथ जुड़ जाते हैं और देखिए क्या होता है कि हमारे ऊपर देखिए संसार का जिस देखिए हम इस संसार में रहते हैं इस संसार का प्रभाव इस जगत का प्रभाव इस जगत की जो शिक्षाएं हैं इस जगत में जो कुछ भी है उसका प्रभाव उसकी आवाज़ें हमारे जीवन में आती रहती है लेकिन फिर भी जब हम प्रभु के साथ जुड़ते हैं ना प्रभु के वचन हमारे जीवन में आता है हम उसके ऊपर जब विश्वास करते हैं ना तो ये प्रभाव इतना हमारे ऊपर डाल नहीं सकता अगर डाल भी सकता है तो क्या होगा कि प्रभु का जो वचन है प्रभु के साथ हमारी सहभाविकता रहने से ये प्रभाव हमारे ऊपर इतना कार्य नहीं कर सकता <katoriesin> हो सकता है अगर वो हम हमारे जीवन में ये उसका प्रभाव इतना पड़ जाए फिर भी अगर हम प्रभु के साथ बने रहेंगे उसका वचन में हम बने रहेंगे तो उसका प्रभाव हमारे जीवन में इतना नहीं पड़ सकता <katori> <mathematic Gör> <,etzung> हम जितनी अनुपति देंगे कोई चीज़ का इतना ही हमारे जीवन में उसका प्रभाव रहता है इसलिए प्रभु कहता है मुझ में बने रहो उसमें बने रहो मेरा वचन उसमें बने यौहान ने की किताब में हम जब पढ़ते हैं वहाँ पे बहुत सारी जगह पे प्रभु के साथ जुड़े रहने के लिए वहाँ पे लिखा रहा है प्रभु में हम बने रहना वचनों में बने रहने के लिए हमें बाइबल पढ़ने से हमको पता चलता है उसका क्योंकि वचन के द्वारा ही हम आगे बढ़ता वचन ही हमारे जीवन में जो है कार्य करता है अगर हमें पाप के ऊपर संसार के ऊपर प्रभुता करनी है प्रभु के साथ जुड़े रहना है प्रभु का वचन ये भी कहता है पाप की प्रभुता हमारे जीवन में नहीं रहती योहना के किताब में ये लिखा हुआ है <tleskate> रोमन किताब में कि हम हमारे ऊपर उसकी प्रभुता नहीं रहेगी जब हम प्रभु के साथ बने रहेंगे उसके साथ चलते रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ों हमारे जीवन में कार्यवंत हो जाती है उसका प्रभाव हमारे जीवन में कार्य करता है शैतान का जो प्रभाव हमारे जीवन में अगर से अगर हमारे जीवन से उसको दूर करना है प्रभु के साथ सहभागिता रखने से उसके साथ जुड़े रहने उसके वचन में बने रहने से संगति में बने रहने से हमारे जीवन में उसका प्रभाव पड़ता है और देखिए जो इस चीज़ का हमारे जीवन में प्रभाव रहता है तो बाकी चीज़ों का जो है संसार की चीजों चीज़ों का है और सारी बहुत बातें हैं इस संसार में वो हमें अट्रैक्ट तो कर सकती है लेकिन उसका प्रभाव हमारे जीवन में इतना नहीं पड़ने देता है क्योंकि हम प्रभु के साथ जुड़े रहते हैं देखिए बाइबल बाइबल हमें कहती है हम अलग किए हुए लोग हैं क्रिश्चियनिटी एक एक ऐसा है कोई ये धर्म नहीं है लोग उसको धर्म के ऊपर स्वीकार करते हैं लेकिन यह धर्म नहीं है ये हमारे जीवन को जीने की एक राह को दिखाता है एक सच्चाईता को मार्ग दिखाता है प्रभु का वचन कहता है प्रभु कहता है मैं मार्ग सत्य जीवन हूँ और कोई मार्ग नहीं है देखिए इस मार्ग में चलने के लिए हम प्रभु के साथ अगर हमारे हमें ज्योति में चलना प्रभु का वचन हमें यह भी कहता है कि जब हम प्रभु के स्वीकार कर लेते हैं हम उद्धार प्राप्त कर लेते हैं प्रभु के मार्ग में हम चलते हैं प्रभु का वचन हमें कहता है हम जगत पृथ्वी का नमक है हम इस जगत की ज्योति है हम जगत का प्रकाश है लेकिन अगर हमारे जीवन में हमारा जो हम हम जो नमक है अगर हम बेस्वाद हो जाए तो स्वाद कैसे आएगा अगर हम जगत को कैसे स्वाद दे सकते हैं अगर हमारे जीवन में अंधकार आ जाए तो हम कैसे प्रकाशित हो सकते हैं और हाँ हमारे हाँ, 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 जीवन से जगत का उजाला कैसे हम दूसरे को दे सकते हैं इसलिए प्रभु का वचन हमें कहते हैं उसमें बने रहने से उसमें बने रहने से हमारे जीवन आसिसमय आशीषमय आसिस तो रहेगा और बहुत सारे फलवंत हमारे जीवन में जो प्रभु ने हमारे लिए जो वायदा किया है वो वायदा हमारे जीवन में काम करेगा जब हम प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं तब क्योंकि उसका प्रभाव हमारे जीवन में काम करता है पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे जीवन में काम करता है और हमें जिस राह पे चलने के लिए परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा अपने सामर्थ्य के द्वारा हमारी अगुवाई करता है तो आज इस वचन के द्वारा प्रभु हमें शिक्षा देता है हम प्रभु में बने रहें हम प्रभु में उसके वचनों में बने रहें हम प्रार्थना में बने रहें हम प्रेम में चले हम इस जगत से दूर रहकर, हम एक अलग सा जीवन में चलते रहें ज्योति में चलते रहें हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रभाव काम करेगा तो आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीषित करें हमें